प्रणाम। चैप्टर टू। चैप्टर का टाइटल है एक जगत एक लोक। यह एक कविता है। इस काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी नदियां हैं और भांति भांति के लोग हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसलिए सब भाई भाई हैं। इस कविता में समानता की भावना को उजागर किया गया है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। प्रथम पैराग्राफ के पंक्तियों में कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है क्योंकि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। दूसरे पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि हमें मिलने वाला प्रकाश हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख की एक जैसी कहानी है। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख कभी दुख भी आता है। दुख सुख कभी एक साथ रहते नहीं, बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। इस संसार में सभी लोगों को एक जैसा शरीर मिला है। सबके खून का एक सा ही रंग है। मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसका रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न भिन्न हो, पर अंदर से हम सब एक हैं। हमारे शरीर की बनावट भी एक जैसी हड्डियों से हुई है। थर्ड पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन या मधुर गान, एक जगत एक लोक। तीसरे पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि हम आनंदित और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं और दिन हर दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि एक जगत एक लोक के निवासी हैं। लास्ट पैराग्राफ अब पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रों में एक यही धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। लास्ट पैराग्राफ की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबको न्याय मिले और मानव जीवन की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होता है। इसमें हमें लास्ट पैराग्राफ में हमें कवि ने विश्व शांति का संदेशा दिया है कि हम सभी दुनिया वाले को मिलजुल कर
रहना चाहिए और हमारी समानता को उजागर किया है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी धर्म के लोग एक समान हैं, एक रूप हैं, यह साबित किया है। यहाँ चैप्टर 2 संपूर्ण होता है। कविता का सरल अर्थ टूक में मैं समझाती हूँ कि इस कविता में कवि ने एक जगत एक लोक कहा है, क्योंकि यह संसार एक मानव लोक है। यहाँ चंद्रमा की चांदनी एक समान होती है, सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया में सभी एक धरती पर रहते हैं और एक आसमान के नीचे रहते हैं। प्रकृति के तत्व सभी के लिए एक जैसे हैं। मनुष्य किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, लेकिन उसका रक्त का रंग लाल ही होता है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न भिन्न हैं, पर भीतर से हम सब एक समान हैं और अपना शरीर की रचना की बनावट भी एक जैसी है, एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। हम खुश होकर सुंदर राग छेड़ें, हम समानता के गीत गाएं। संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबको न्याय मिले, यही हमारा धर्म है। हम एक साथ मिलकर विश्व में शांति बनी रहे, ऐसी आशा के साथ रखते हैं और इस तरह सभी एक बनकर समान रूप में रहकर अपनी एकता साबित करें। यहाँ हमारा चैप्टर 2 पूर्ण होता है। आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्रणाम।